नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आप लोगों को एचटीएमएल के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेसिक एग्जांपल लेकर आए हुए हैं और इस पर आज हम लोग बात करेंगे। थ्योरी कॉन्सेप्ट हम लोग का पूरा कंप्लीट हुआ था, आज उसी थ्योरी पोर्शन पर हम लोग बात करते हैं कि एचटीएमएल का प्रोग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसे हम लोग सीखते हैं। तो आज एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, एकदम बेसिक, एकदम आप लोगों को मैं एग्जाम्पल पे बात करूंगा। सबसे पहले करना क्या होता है एचटीएमएल में, आते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि एचटीएमएल की जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्राम होता है, इसे हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। डियर, तो चलिए डियर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि एचटीएमएल कोडिंग करते समय हम लोग को सबसे पहले नोटपैड ओपन करना है, और नोटपैड ओपन कैसे करते हैं मैंने आपको स्टेप भी बताया था। तो हमारे पास एक स्टेप छोटा सा था जहां पे हम बताए थे कि हमको टास्क बार में सबसे कार्नर पर एक बटन, स्टार्ट बटन होती है लेफ्ट कार्नर पर, वहां पे चलेंगे और नोटपैड को वहीं से हम क्या करेंगे डियर, ओपन कर लेंगे। नोटपैड हमारा यहीं पे ओपन होता है। नोटपैड जैसे ओपन होता है, देखिए नोटपैड की विंडो आप लोगों के सामने ओपन होकर आ गई है। जैसे हमारा ये नोटपैड ओपन हुआ, वैसे आप लोग देखेंगे इस विंडो पे सबसे ऊपर टाइटल टूल बार एरिया में आपको दिखता होगा अनटाइल्ड नोटपैड, यानी हमने क्या ओपन किया है, नोटपैड ओपन किया है। ठीक है, तो नोटपैड ओपन करने के बाद सपोज दैट अब यहीं पे क्या करेंगे, इसी अपने पेज में क्या करेंगे डियर, अपने हम कोडिंग को करना शुरू करते हैं, और कोडिंग हमेशा नोटपैड में ही शुरू करेंगे। और यहां से साइज को छोटा बड़ा करना हो तो तुरंत आप फॉर्मेट ऑप्शन पे जाके वहां पे फॉन्ट ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट की साइज को छोटा बड़ा कर लेंगे, यानी जितना आपको साइज रखना हो उतनी साइज को आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आज हम लोग पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और एचटीएमएल का एकदम बेसिक प्रोग्राम है और सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, और शुरू से अंत तक इस प्रोग्राम को हम अच्छे से देखेंगे, पूरा इसको बनाएंगे, फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन भी कराएंगे। तो चलिए डियर कुछ अच्छा सीखते हैं। चलिए सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं, और नोटपैड ओपन करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से अपने टैग को अप्लाई करना शुरू करते हैं। टैग हमारा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एंगुलर टैग को सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे और एचटीएमएल टैग को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। किसी भी टैग को डिफाइन करते समय ध्यान रखना है, या तो हम स्मॉल में करें या तो कैपिटल में करें, यानी एक ही आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो हम लोग सिंपल सा तरीका अपनाते हैं, स्मॉल लेटर में हम लोग सारी कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने टाइप कर दिया HTML, और हमने यहाँ पे HTML जैसे टाइप किया हमारा HTML यहाँ पे कोड देखिए आ गया, तुरंत आप इंटर करिए, न्यू लाइन पर आइए। HTML के बाद तुरंत आपको हेड लगाना है, हमने यहाँ पे फिर से वही काम किया, एंगुलर ब्रैकेट ओपन हुआ और हमने यहाँ पे हेड टाइप कर दिया। जैसे हमारा यहाँ पे हेड कंप्लीट हुआ, तुरंत हम वहाँ पे फिर इंटर करेंगे नई लाइन पे। यदि आपको कोई टाइटल देना है, हम यहीं पे टाइटल टाइप कर लेते हैं डियर, और टाइटल टैग हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, और टाइटल टैग को भी क्या करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन करेंगे डियर। यानी किसी भी टैग को हम लोग कहाँ करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर करते हैं। टाइटल जो देना है, टाइटल आप बिल्कुल दे सकते हैं, हमने टाइटल दे दिया यूनिक ऑनलाइन ग्रुप, या यूनिक ऑनलाइन ग्रुप, या यूनिक ग्रुप, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया यूनिक ग्रुप, क्या हमने दे दिया, यूनिक ग्रुप नाम का एक टाइटल दे दिया डियर। ठीक है, यूनिक ग्रुप नाम का हमने यहाँ पे टाइटल यहाँ पे दे दिया, यूनिक हमारा यहाँ पे आ गया भाई। ठीक है, यूनिक ग्रुप हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइटल हो गया यूनिक ग्रुप। हाँ, यूनिक ग्रुप हमारा जैसे यहाँ पे एक टाइटल बना, ठीक है, तुरंत मैंने यहाँ पे टाइटल टाइप को क्या कर दिया डियर, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए मैंने बताया था एक आपका सिंबल होता है जिसे हम लोग बैक स्लैश के नाम से जानते हैं, और यहीं पे हम टाइटल को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहीं पे क्या करेंगे डियर, टाइटल को क्लोज कर देंगे। टाइटल हमारा बंद हुआ, जस्ट उसी लाइन के नीचे तुरंत आइए, हेड ओपन था ऊपर, हमने क्या किया, हेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया। यानी कहने का मतलब हमने जो हेड टैग ओपन किया था यहीं पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या करना, हेड के बाद यानी टाइटल हमारा यहाँ पे कम्प्लीट हो गया, हेड हमारा बंद हो गया, अब मेन मोटो आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं। बॉडी टैग यहाँ पे हमने पहले ओपन कर लिया। बॉडी टैग जैसे हमने ओपन किया, बॉडी के अंदर हमें जो भी एलिमेंट को लिखना है, जो भी एलिमेंट को यहाँ पे हमको रखना है, हम सबसे पहले उसी एलिमेंट को क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे डियर। तो बॉडी के अंदर हमको क्या रखना है डियर, एलिमेंट को रखना है। मान लीजिए हमको हेडिंग बनाना है, तो सबसे पहले हेडिंग के लिए हमको क्या करना है, H1 टैग डिफाइन कर लेना है। यानी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, H1 टैग डिफाइन कर लिया। H1 टैग हमारा क्या करेगा, हेडिंग को डिफाइन करेगा, और हेडिंग में हम जो कुछ देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज दैट H1 किस लिए है, हेडिंग के लिए है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेडिंग।
किसके लिए है डियर, हेडिंग के लिए, हमने यहाँ पे हेडिंग डिफाइन कर लिया ओके। और एस वन टैग को क्या करेंगे, वहीं पे क्या करेंगे डियर, बंद कर देंगे। जिस लाइन में हमने हेडिंग डिफाइन किया हमने यहीं पे क्या कर दिया, एस वन टैग को क्लोज कर दिया ओके। अब क्या करेंगे, पैराग्राफ बनाना है तो पी टैग लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे डियर, पी टैग लगा लेंगे। और पी टैग किसके लिए हमने डिफाइन किया, पैराग्राफ के लिए किया, किसके लिए किया डियर, पैराग्राफ के लिए किया ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया, पैराग्राफ बन गया। अब क्या करेंगे, पी टैग को यहीं पे हम क्लोज कर देंगे भाई, पी टैग को यहीं पे हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और भी आपको पैराग्राफ बनाना होगा तो आप ऐसे ही आप क्या करेंगे, पी वन पी टू नाम का आप यहाँ पे पैराग्राफ अप्लाई कर लेंगे। अब देखेंगे हमारा बॉडी ओपन था, अब यहीं पे हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे भाई। बॉडी टैग वहाँ पे हमारा क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा जो टैग ओपन होता है उसे हम क्या करेंगे, लास्ट में क्लोज भी करते हैं। हमने यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। बॉडी टैग जैसे हमारा क्लोज हुआ तुरंत हमने क्या डिफाइन कर लिया डियर, बॉडी टैग के बाद तुरंत हमारा जो एचटीएमएल सबसे ऊपर होता है ओपन, उससे हमने क्या कर दिया, लास्ट में क्लोज करके और अपने कोडिंग को यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं। एचटीएमएल हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और एचटीएमएल हमारा जैसे बंद हुआ वैसे हम अपनी कोडिंग को क्या करेंगे, यहीं पर डियर स्टार्ट कर देंगे। और जैसे स्टार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ और हम क्या करेंगे, अब हमारी कोडिंग यहीं पे एंड हो गई। एंड करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने कोड को सेव करना है। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया नोटपैड में एक मेनू होता है जहां फाइल मेनू आपको दिख रहा होगा, फाइल में जाके आपको सेव करना है। सेव कहां करना है, अपने फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेना डियर, क्यों, क्योंकि आपकी फाइल डायरेक्ट कहां मिल जाए, आपको डेस्कटॉप पे मिल जाए भी मिल जानी चाहिए। अगर डेस्कटॉप आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फाइल का नेम दे देंगे। फाइल का नेम किसी भी नाम से, सपोज दैट किसी का नाम रवि है, हमने रवि के नाम से फाइल को सेव किया, लेकिन रवि के बाद हमको एक्सटेंशन नेम एचटीएमएल का लगाना होता है, डॉट एचटीएमएल, क्या लगाना होता है, डॉट एचटीएमएल नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया। तुरंत आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए, एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, फाइल हमारी डियर क्या हो गई है, सेव हो गई। अब जब फाइल सेव हो जाए तो आप लोग नोटपैड को मिनिमाइज कर लो, और मिनिमाइज करने के बाद तुरंत देखोगे तो डेस्कटॉप पे आप लोगों की जो फाइल होगी वो आपके प्लेटफॉर्म में सेव हो गई होगी। आप क्या करेंगे, रवि नाम की फाइल को आप ओपन करेंगे, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे वैसे रवि नाम की फाइल आपकी क्या होगी, आपकी ओपन हो गई। और जैसे ये हमारी फाइल ओपन हुई डियर, वैसे देखिए आपका जो आउटपुट था वो वेब पेज में आपका कंप्लीट हो गया। हमने टाइटल में यूनिक ग्रुप दिया था, यूनिक ग्रुप हमारा टाइटल में दिख रहा है, हमने यहाँ पे H1 टैग डिफाइन किया था, हेडिंग आपको दिख रहा है, हमने पैराग्राफ डिफाइन किया था, पैराग्राफ आपका दिख गया। इसी तरीके से जितना आप लोगों को हेडिंग बनाना है, जितना पैराग्राफ बनाना है, तो डियर आज मैंने आपको एक बेसिक सा एक हेडिंग का डिफाइन करना बताया, स्ट्रक्चर एक पैराग्राफ का बताया, एक टाइटल का बताया, ठीक है। इतने कोड को मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, यही मेरा दोस्तों क्या है, आउटपुट है। तो सबको बात समझ में आ गई, ये हमारा आज का पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम था, जो कि मैंने एकदम बेसिक से आप लोगों को बताया और समझाया ओके डियर। तो फिर इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू अपने प्रोग्राम को करते रहेंगे, तो इसका आउटपुट सबका क्लियर हो गया, इसे आप लोग ऐसे ही इसी तरीके से अपना प्रैक्टिस जरूर करेंगे ओके डियर।